नमस्कार, खबरबान न्यूज के कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं बालकृष्ण मुले और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है अल्ट्रा मैराथन रनर कार्तिक जोशी। कार्तिक जोशी जी, आपका खबरबान न्यूज में जी सर सारा स्वागत है। जी सर नमस्कार। कार्तिक ने हाल ही में 5-6 अक्टूबर को सोलान में हुई मैराथन अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया और काफी टफ मैराथन कही जाती है। हम उस बारे में तो बातचीत करेंगे ही कार्तिक से, लेकिन उससे पहले कुछ पीछे जाना चाहेंगे। जब कार्तिक ने 3 साल पहले अल्ट्रा मैराथन की तैयारियां करना शुरू की थी, किस तरह का वो माहौल था, कैसे आपके दिमाग में वो सारी चीजें आई कि आप अल्ट्रा मैराथन रनर के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो और वो मुकाम शायद अब 3 साल में आपने पा लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यदि आपका नाम लिया जाए तो उन चुनिंदा रनर्स या यूं कहे कि एथलीट्स में आपका नाम लिया जाता है। कुछ किस्से सुनाइए, शुरुआत कैसे हुई थी कार्तिक? जी सर, जब मतलब इसकी शुरुआत मेरे घर के साइड से हुई, जहाँ पे RIPTC नाम से ग्राउंड है, जहाँ पे पुलिस को ट्रेन किया जाता है। तो वहाँ पे मतलब जब मैं वहाँ से जाता था तो वहाँ के रनर्स भागते रहते थे, पुलिस वालों पुलिस के जो पुलिस में है जवान, तो उन्हें देख के मुझे लगता था कि ये सब इतने अच्छे से भाग रहे तो मुझे भी रन करना चाहिए, मैं भी भाग के देखता हूँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं जी। तो जब घर का काम होता था तो मैं वो काम भाग के ट्राई करता था कि अपन भाग के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नहीं। तो मैंने बहुत बार उसे ट्राई भी किया, हुआ भी सही। फिर मैंने धीरे से एक बार खुद से भाग के देखा, तो पहले दिन मैं भागा था 13.300 मीटर के आसपास, उस ट्रैक का मुझे काउंट पता था जी। तो मैंने 13.300 किलोमीटर भागा उसी मतलब पुलिस के ट्रैक पे, तो मेरा उस रन के हिसाब से मतलब पहले दिन में 13 किलोमीटर अच्छा था मेरा, मतलब दूसरों का कहना था जी। मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मैंने सेकंड डे फिर अटेम्प्ट किया, तो उसमें 4-1 किलोमीटर के भाग पाया, क्योंकि मेरे पैर दुख रहे थे, मैंने शुरू किया था नहाना। तो फिर धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीने हुए जब मैंने एक मतलब एक एथलेटिक्स क्लब ज्वाइन किया जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग की। वहाँ के सर ने मुझे कुछ अच्छा भी बताया और कुछ गलत भी बताया कि ऐसा गलत है, जो मुझे आज पता चला कि सर गलत बताते थे उस समय। तो मैंने खुद से ट्रेन किया और फिर मतलब जब मुझे समझ में आने लगा कि सर गलत बता रहे हैं, तो मैंने खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट की और फिर पापा का गाइडेंस था जी। और फिर गूगल पे आजकल सब कुछ मिलता है, कोई गलत नहीं बता सकता आपको। तो मैंने उस समय से फिर खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट की। 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी फर्स्ट अल्ट्रा में मैं रिप्रेजेंट हुआ, जिसका नाम सोलांग स्काई अल्ट्रा था, जिसमें इस बार मैंने 100 किलोमीटर किया, लास्ट टाइम 60 किलोमीटर करा था। उस समय मुझे 10 घंटे के आसपास समय लगा था 60 किलोमीटर भागने के लिए भी, और वो इंडिया की सबसे टफ अल्ट्रा मैराथन होती है जिसमें ट्रेल पे भागना होता है जी। और फिर कैसे भी स्टिपल हो, जैसे नदी बहुत तेज बह रही है, स्नो गिर रहा है, रेनफॉल हो रहा है, कीचड़ हो, पत्थर हो, तो उस पर भाग रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम भागा था तो मैंने सोचा मैंने कहाँ पार्टिसिपेट कर लिया, मैं ऐसा क्यों भाग रहा हूँ जी। और फिर आज जब भागता तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने सही करा था उस समय, आज मैं गलत नहीं हूँ। सोलान वाली कंपटीशन की बात की जाए, जिस तरह का अल्ट्रा मैराथन का वहाँ ट्रैक कहते हैं कि काफी ऊपर चढ़ना पड़ता, नाइट में भी दौड़ना पड़ता है, वहाँ पे बर्फबारी भी होती है, बारिश भी गिरती है, तो आप जैसे जो रनर है जो इस तरह के मौसम से इतने फेमिलियर नहीं होते और ऐसी जगह पे जब एज ए रनर ऐसे एथलीट के रूप में हिस्सा लेते हैं तो कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ता है? सर पहले तो हम एक ऐसे एरिया में रहते जो पूरा फ्लैट है, इंदौर में पूरी सिटी है, यहाँ पे पॉल्यूशन भी उसी लेवल पे होता है, और वो मनाली है, वहाँ पे हर चीज इतनी ठंडी है, वहाँ पे जैसे 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 ऊपर जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हाइट बढ़ती है तो वहाँ पे थकान भी उतनी होती है, और अपने यहाँ पे कोई ऐसा इतनी हाइट पे है नहीं कि अपन जाके प्रैक्टिस कर सके। फिर भी मैं उसके लिए जाला पाव, चोरल, वाचू पॉइंट और ऐसी जगह जाता था, और रेगुलरली राला मंडल में रोज अप डाउन करता था प्रैक्टिस के लिए। अपनी साइकिल से जाना है और साइकिल से ही आना है, भले 40 जाना हो और 80 आना जाना हो। खासतौर से इस सोलांग वाली कंपटीशन के लिए आपने कितने महीनों पहले से तैयारियां शुरू की थी और कितना किलोमीटर अपने ही शहर की पहाड़ियों को दौड़ चुके थे? मैंने पिछले 2-3 महीने से इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैं जिम जाता था, साइकिलिंग करता था, कभी कभी स्विमिंग करता था, और रनिंग तो मुझे करना ही थी। मैं जाना पाऊँ एक बार जब भी जाता था तो 10-10 बार चढ़ता था, उतरना मैं कभी भी काउंट नहीं करता हूँ। और फिर राला मंडल में जाता था तो मैं 7-7.5 मिनट में आराम से ऊपर चढ़ता था, और 20-20, 25-25 बार ऊपर चढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि जो आगे है वो ये उसका 10% भी नहीं है। और वहां जब सोलांग की हाइट थी 6,260 मीटर का एलिवेशन था, वहां मतलब 20,900 फीट के आसपास, वहां पर ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है कि चलने में भी हाथ ना आता था, और वहां पर चढ़ना है तो बिना पोल्स के नहीं चढ़ सकते क्योंकि बिल्कुल खड़ा खड़ा चढ़ना पड़ता है कभी कभी। तो वहां का टॉप पॉइंट था ब्रिगो लेक, वहां पे वो जो लेक है वो भी जम जाती, इतना ठंडा रहता है, और रात का समय वहां पे रोज स्नोफॉल होता है, और जब हम बीच में भाग रहे थे तो रेनफॉल के कारण हमारे घुटनों घुटनों तक कभी पानी था,
कई कीचड़ बहुत ज्यादा था कि पूरे जूते अंदर थे, और जब हम नदी क्रॉस करते थे उसमें जब पानी आता था वो बर्फीला ठंडा पानी था ब्यास नदी का, तो पूरा पैर सुन्न हो जाता था, तो लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। 100 किलोमीटर की जो रन थी वो कितने घंटों में पूर्ण करनी थी और किस तरह से आपकी पोजीशन इस टफ मैराथन में लगी? सर उस मैराथन को 30 घंटे में पूरा करना था, 25 रनर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पहले 25 रनर ने पार्टिसिपेट किया था और पहले 17 लोग पहले 9 घंटे में रेस छोड़ चुके थे। और जब रेस स्टार्ट हुई थी तो पहले 9 घंटे का कट ऑफ था, 9 घंटे में 40 किलोमीटर भागना था, जिसमें वही ट्रैक था बट 50% था जो तुम्हें रात में करना है जी। तो इसलिए उन्हें पहले 9 घंटे में बोल दिया था कि आपको ये 40 किलोमीटर अगर आप कंप्लीट कर पाए तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे भेज दिया जाएगा। तो 17 लोग पहले ही 9 घंटे में रेस छोड़ चुके थे और 8 रनर्स बचे थे। अब 8 रनर्स बचे थे तो 8 रनर्स में से उन्होंने बोल दिया था कि आप ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि रात को भागना खतरे से खाली नहीं था जी। क्योंकि वो फॉरेस्ट है और रात के समय वहां पे भालुओं का डर बहुत ज्यादा रहता है। तो मैंने हर 15-20 घंटे में सीटी बजाते हुए विसल का यूज करते हुए कंटिन्यू रखा। हमारा 4 लोगों का ग्रुप था जो कि रात के समय उन्होंने कहा था कि अकेले नहीं भागना है जी। अब आखिरी के मैं 8 बजे ही वहां पहुंच गया था, मेरे पास 1 घंटा बचा था, तो मैंने फटाफट कर्ड राइस और थोड़ी सी दाल पी, हॉट गर्म पानी पी के अपने हाइड्रेशन बैग में मुझे जो जो खाने के लिए रात के समय चाहिए था मैंने वो रखा और हम सब निकल गए थे। वहां पर ऊपर बहुत ठंड थी, उसके हिसाब से गर्म कपड़े भी हम पहन के गए थे और लेके भी गए थे साथ में। अब वहां पे हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पे हाइड्रेशन पॉइंट था, अगर 6 किलोमीटर में आपका कुछ सामान खत्म हो जाता है तो आपको बिना सामान के सरवाइव करना है। तो जब रात का पॉइंट था तो मैं 4 घंटे तक कंटिन्यू चलता रहा, एक डेप्थ पॉइंट था डेथ क्लाइंब जिसमें बस ऊपर ही चढ़ना था, तो मैं 4 घंटे तक कंटिन्यू चढ़ रहा था, भाग रहा था, कभी दौड़ भी रहा था, भाग रहा था और कभी चल भी रहा था। तो मैं सोच रहा था कब खत्म होगा, तो 4 घंटे और 37 मिनट में वो पूरी क्लाइंब खत्म हुई। तो मैं कितना 11-12 किलोमीटर में आराम से चढ़ गया हूँ, बिल्कुल खड़ा खड़ा चढ़ना था। और वहां पे एक वाटरफॉल था जोगिनी वाटरफॉल, तो जिसके पीछे हमको रात के समय जाना था, एक वाटरफॉल बह रहा है और उसके पीछे से आपको जाना है। तो जब उन्हें ब्रीफिंग में बताया था रेस स्टार्ट होने के पहले कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो मुझे सोच के भी ना था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो इंश्योरेंस भी नहीं भरा है। तो फिर उसके बाद जब रेस स्टार्ट, जब सुबह हुई तब हमने एक 14 मोड़ करके पॉइंट है जहाँ से बर्फ गिरना स्टार्ट होती है उस पॉइंट पे, तो वहां से हमें एक फाइनल पॉइंट जाना था सुबह 5 बजे हम वहां पहुंच गए थे। अब वहां से ब्रिगु लेक जाना था, वहां से 7 किलोमीटर ऊपर, अब वहां पे चढ़ने के लिए 4000 मीटर आपको ऊपर चढ़ना है, 7 किलोमीटर में से 4000 मीटर की हाइट है। तो सब मेरे साथ जो जो 3 रनर्स थे वो बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, मैंने बोला अगर मैं इनके साथ रहा तो मैं रेस भी फिनिश नहीं कर पाऊंगा 30 घंटे में, जबकि हमारे पास 16 घंटे का समथिंग का टाइम बचा था। तो मैंने अपनी रन को फास्ट किया, मैंने उन्हें कहा कि आप फास्ट कर सकते हो तो चलो, मैंने तो मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला तुम करो, हमारी हालत थोड़ी अभी डाउन है, हम रेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला आप रेस्ट कीजिए। जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मुझे वो वहीं बैठे हुए मिले, 3 घंटे बाद भी वो वहीं थे, तो मैं नहीं कर पा रहा था। तो सेकंड कट ऑफ टाइम मैंने उनसे पहले क्लियर कर दिया था और मैं पहुंच गया था। अब मुझे पता था कि बस मुझे आखिरी का 20 किलोमीटर बाकी है और सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना है, एक बार ब्रिगु लेक से 14 मोड़ उतर के आ गए, अब बाकी का जो 20 किलोमीटर पूरा 20 किलोमीटर चढ़ना है और सिर्फ 2 किलोमीटर उतर के फिनिश करना है, जिसमें कोठी चढ़ना था, वो एक कोठी वहां का अच्छा पॉइंट है, कोठी और सागाडूब। तो मैंने चढ़ के फाइनली फिनिश करा, और जब फिनिश करा तो टाइम था 28 घंटे और 18 मिनट। तो मुझे बहुत सबसे ज्यादा खुश मेरे एक अरुण भैया है जो पाथ इंडिया लिमिटेड से मेरे साथ गए थे रन करने, उन्होंने भी 30 किलोमीटर रखा था, वो 30 किलोमीटर भाग के इतना इतना थक गए थे, उन्हें लग रहा था कि इन्हें 100 भागे तो उसको कितनी थकान होगी। तो उन्होंने मेरे शूज तक उन्होंने खुद ने खोले, जबकि वो पाथ इंडिया में सीनियर एचआर मैनेजर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सर इसमें मेरी पोजीशन 5th रही, और जबकि सिर्फ 6 ही फिनिशर थे, इसमें फॉरेन रनर्स भी थे, इंडियन नेवी के रनर्स भी थे, इंडियन आर्मी के रनर्स थे, काफी सीनियर्स एथलीट्स के साथ जी सर कॉम्पिटिशन किया। यूं कहे कि आप एक सिविलियंस के हिसाब से आप अकेले ही थे जी सर, मैं सबसे कम उम्र में फिनिश करने वाला रनर में ही था, मैंने 18 साल की उम्र में फिनिश किया था, और जब मैं 16 साल का था तब मैंने इसी रन में 60 किलोमीटर फिनिश किया था। अच्छा, पहले भी आप इसी रन में पार्टिसिपेट किया, कॉन्फिडेंस आपका था, थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मेरी नजर में सबसे पहले मेंटली फिट होना चाहिए किसी भी रनर्स को या किसी भी स्पोर्ट्समैन को, जब तक है ना वो फिजिकली सोचेगा ना कि हाँ मैं थक गया हूँ तो थक गया हो, और जब तक वो दिमाग से मेंटली इतना फिट रहेगा कि नहीं मैं 10 दिन भी भाग सकता हूँ या मैं 10 दिन भी किसी काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ, 10 दिन पढ़ सकता हूँ,
तो 10 दिन का वो 11 दिन में भी करेगा, क्योंकि उसके वो मेंटली इतना फिट है और मेंटली सोच रहा है कि नहीं मैं थका ही नहीं हूँ। जब तक आप दिमाग से नहीं सोचोगे कि मैं थका ही नहीं, थका हुआ हूँ या नहीं हूँ, तब तक कुछ होगा ही नहीं। इतनी बड़ी टफ कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन के लौटे, 5th पोजिशन आपका लगा हुआ है, किस तरह का डाइट चार्ट आपने पिछले 3 महीनों तक रखा, या फिर वर्कआउट की बात की जाए तो कितना वर्कआउट करते थे और कुछ सपोर्ट किस किस का मिलता है इस काम में? सर, इस काम में मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है, मेरे सारे स्पॉन्सर्स का सपोर्ट होता है, क्योंकि अल्ट्रा मैराथन भागना एक सस्ता खेल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हर 4 घंटे 5 घंटे में शूज बदलना होता है, और शूज इतने सस्ते नहीं आते कि मेरी फैमिली अफोर्ड कर ले। इसमें मेरे फादर का और फैमिली का सपोर्ट होता है कि जो भी काम होते हैं मुझे नहीं बोलते, मुझे सिर्फ यही बोलते कि तुम्हें रन करना है और बाकी किसी को तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाकी सब हम कर लेंगे। तो इस रन के लिए मैंने 3 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट की, जिसमें मैं सब जगह जाता था, तो आने जाने में 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, वो बाकी 8 घंटे 10 घंटे रोज प्रैक्टिस करना होती थी। मैं वीक में 5 दिन बाहर प्रैक्टिस करता था और 2 दिन इंदौर में, और जब 2 दिन होता था वो मैं कम करता था, थोड़ा रेस्ट के हिसाब से करता था। और मतलब 3 महीने में मैंने वो ट्रेनिंग करती की थी जो मैंने सालों में नहीं की, क्योंकि पता था कि अभी जो कर रहा हूँ उसके आगे बहुत बड़ी चीज है, एक पहाड़ सी चीज है, और यहाँ पे तो बस एक छोटी सी छोटी है। 100 किलोमीटर के की रन में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 3 महीने में आप कितना किलोमीटर दौड़े होंगे? 1000 किलोमीटर के आसपास सर, सिर्फ चढ़ने चढ़ना किया मैंने, फ्लैट पे नहीं भागा, फ्लैट काउंट नहीं किया। हाँ, और उतरना भी मैंने अभी तक आज तक काउंट नहीं किया अपनी लाइफ में। ये तो हुई एक बड़ी कंपटीशन की, लेकिन शुरुआत में आपने छोटी छोटी कंपटीशंस में भी हिस्सा लिया था, कौन कौन सी कंपटीशंस थी और कितने मेडल्स या यूं कहें कि ट्रॉफियां अभी आपके पास है जो आपने जीती है? सर, मेरे पास अभी तक अबाउ 100 मेडल्स है, मतलब 100 मेडल से ज्यादा है, और 20 से ज्यादा ट्रॉफी है, और इस साल में मैंने अभी तक 9 इवेंट भागे हैं, और जिसमें 6 में मेरा पॉडियम है, 6 में मैं मतलब 1st, 2nd, 3rd पोजीशन होल्ड किए मैंने इस साल। इंदौर शहर की बात की जाए तो तकरीबन 30 एथलीट्स मैराथन दौड़ते हैं, खासतौर से अल्ट्रा जो कि बहुत ज़्यादा फोकस के साथ में दौड़ना होता है, और समतल तो कम ही दौड़ना होता है, ट्रैक पर ही ज़्यादा दौड़ना होता है। जी सर, तो इस स्थिति में अभी इंदौर शहर के टॉप मोस्ट आप कहलाते है, या फिर मध्य प्रदेश में आपसे भी आगे कुछ बच्चे हैं जो एथलीट्स अल्ट्रा एथलीट्स के रूप में पहचाने? सर, अल्ट्रा मैराथन में इंदौर में मैं रिसेंटली 2 साल से 12 घंटे के स्टेडियम रन भाग रहा हूँ, और दोनों साल से मैं ही फर्स्ट आ रहा हूँ। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल मैंने 105.400 मीटर भागा था, और इस साल मैंने 112.400 मीटर भागा था, जिसमें मैं फर्स्ट आया था, और सेकंड यूपी का एक रनर था, अच्छा, रवि सिंह, वो सेकंड आए थे, उन्हें 102 किलोमीटर फिनिश किया था, मैं 10 किलोमीटर से उनसे आगे था। देखा जाता है कि मध्य प्रदेश खेल के मामलों में बातें तो बहुत सारी की जाती है, मध्य प्रदेश का खेल मंत्रालय हमेशा से सपोर्ट करने की बात तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ देखी जाती है। आपके साथ किस तरह के किससे जुड़े रहे, कितना सपोर्ट हो पाया मध्य प्रदेश शासन की ओर से, भले वो पिछली सरकार शिवराज सिंह चौहान की हो, या पिछले 10 महीने से जो रन कर रही सरकार कमलनाथ की हो, जिसके मंत्री खेल मंत्री जीतू पटवारी हैं? जी सर, मुझे एक ही बार उषा ठाकुर जी ने बहुत हेल्प की थी, मतलब जब मेरे पास एक रेस भागने जाना था, उस समय मेरे पास पैसे ही नहीं थे जी। तो मैंने उन्हें अपनी कंडीशन बताई, उन्होंने बोला चलो मैं ट्राई तो करती हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के विधायक नहीं थे जी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैम क्या हो सकता है, मेरे को मुझे जाना जरूरी है, तो उन्होंने खुद के चेक से मतलब खुद के अकाउंट से मुझे 5000 रुपये दिए कि तुम करो जो भी होगा, मुझे मैं सब मेरे हिसाब से कर लूंगी, तुम जाओ। तो मैं करके आया, और बाकी जिस जिसके पास मैं सपोर्ट के लिए गया तो किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था उस समय। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब से आप कर रहे थे तब से हमारा भी फोकस आप पर लगा रहा कि एज ए मीडिया हम आपको देखते थे, कार्तिक जो है अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा है, अच्छा उभरता एथलीट्स के रूप में पहचाना जाएगा आने वाले समय में। इस बीच आपने पॉलिटिकल लोगों को काफी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, उनके लिए काम भी किया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हो या फिर स्वच्छता की बात हो, लोगों में जागरूकता का संदेश देने के लिए आप इंदौर से भोपाल, मोदी जी के जन्मदिवस पे इंदौर से उज्जैन तक दौड़ते गए, और कहीं ना कहीं इन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो कि पॉलिटिक्स करते, जो आप जैसे एथलीट्स की काफी मदद भी कर सकते समय आने पर, क्या वाकई उतनी मदद आपको मिल पाई? नहीं सर, मैंने बहुत ट्राई किया अपना, मतलब मैंने उनसे मतलब अपना पर्सनल बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म किया कि मैं उन तक पहुंच सकूं या कोई अच्छा कर सकूं। तो जब जब मैं उनके सामने गया तो उन्होंने बोला तुम मुझसे कल मिलो या परसों मिलो, मैं 10 लोगों के पास जाता तो और 2 ही उसमें से हाँ बोलते थे, वो भी 10 राउंड लगवाते थे, और उसमें से फिर एक और जना ना बोल देता था कि ये नहीं हो पा रहा है, तो मतलब एक ही जना हेल्प करता था, तो एक की हेल्प से मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तो अनुभव आपके साथ जुड़े हुए कहीं ना कहीं यही चीजें आपको और अच्छा दौड़ने के लिए मजबूत बनाती है, कहीं से जब किसी को कोई मदद नहीं मिलती, और खासतौर से
एक खिलाड़ी को जो कि फैसलों का काफी फैसले बड़े अहम होते हैं खिलाड़ी के, और फैसले करने में खिलाड़ी कोई भी देर नहीं करता और वही जज्बा आपने देखा भी जाता है। खास तौर से अगर बात करें अपने माता पिता की तो किस हद तक वो सपोर्ट कर पाते हैं आपका, क्योंकि उनका खुद भी फैमिली बिजनेस है, एक छोटा सा बिजनेस है जो इससे वो केवल अपना ही परिवार का भरण पोषण ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप जैसा एक बड़े खिलाड़ी को पालना, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना, वो शुरुआती दिनों में कैसे पूरी कर रहे हैं? सर शुरुआती दिनों में तो किसी भी एथलीट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी कि मतलब इतनी जरूरतें नहीं होती थी, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता था जी। कि हमें एग्जैक्ट और या सही चीज क्या करना है। तो जब तक तो एक नॉर्मल फूड पे मतलब जो घर में बनता था वही खा लेता था और सब कुछ चलता था। और जब मैं फिर मतलब एक डेढ़ साल में सब कुछ समझने लगा था, सब कुछ आ गया था कि हाँ अब अपन रनिंग कर सकते हैं, मुझे ये करना है, मैंने प्लान करा था कि आगे मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना है तो कैसे खेलना है, या मुझे इतना बड़ा रन भागना है 250 किलोमीटर का, जब मैंने हैनोर बैम्बू अल्ट्रा में भागा था तो मुझे क्या डाइट प्लान फॉलो करना है। तो मेरे पास उस समय इसके डाइट प्लान के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे कि मैं क्या सामान खरीदूंगा, कैसे खरीद के लाऊंगा, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन रनर हूँ। तो नॉन वेजिटेरियन थोड़ा सस्ता हो जाता, बट वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। तो मैंने सोचा कैसे खरीदूंगा, तो मेरे फैमिली में से हम सब ने मिलके मतलब पैसे इकट्ठे किए, और फिर कुछ सपोर्टर्स थे जिनने मुझे बहुत सारा सामान दिया और पैसे भी दिए कि हाँ तुम्हें ये खरीदना तुम खरीद लो। तो उस समय मैंने अपने लिए काजू बादाम, घी, बटर, चीज और ये सब सामान खरीदा कि मुझे रन करना है। और मैं स्पेशली दही में चूने डाल के खाता था, क्योंकि चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। आप कुछ भी ले लीजिए पर चूने से ज्यादा कैल्शियम किसी में भी नहीं होता है। तो मैं उसमें डाल के खाता था कि मेरी बोन्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर उस 250 किलोमीटर के रन के लिए मैंने प्रिपेयर करा, क्योंकि वो मार्च में होने वाली थी और बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी में खुद का दिमाग स्थिर रखना और एक जैसे उसी ट्रैक पे कंटिन्यू बने रहना खुद में एक चैलेंजेबल थीम थी। तो मैं क्या करता था उस समय, चुरल जाता था, वहाँ के फॉरेस्ट वैसे इतने गर्म रहते थे और वहाँ की रोड डावर भी रहती थी, तो और ह्यूमिडिटी होती थी, तो खुद में पसीना आता था। तो मैं उसे ही ट्राई करता था कि क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वहाँ जाके भागने की कोशिश करता था। और फिर राला मंडल जाता था, तो राला मंडल में उमस होती थी और पत्थर जब गर्म होते थे ना तो वो गर्मी का ऐसा वहाँ पे होता था। तो मैंने वहाँ पे भाग भाग के उसके लिए ट्रेनिंग की, और जब मैंने इस रन की सुबह स्टार्ट हुई थी तो सबने फास्ट स्टार्ट करा था तेज दौड़ना, पर मैंने स्लो से स्टार्ट करा था, क्योंकि पिछले साल मैं इसका 220 किलोमीटर भाग चुका था 2018 में जी। तो मैं समझ गया था कि अभी 7 बजे, उनने जब 6 बजे स्टार्ट किया मैंने समझ गया था कि 8 बजे से वो गर्मी होगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तो मैंने धीरे से स्टार्ट करा, जब पहले बार मैंने प्लान करा था कि पहले 12 घंटे में 80, दूसरे 12 घंटे में 60, फिर अगले 12 घंटे में फिर 80, और फिर जो डिस्टेंस बचा है। तो जिस हिसाब से मैं कर रहा था तो उस हिसाब से 36 घंटे में मेरे फिनिश करने वाला था मेरा प्लान, एज अ माय प्लान। तो मेरा रन फिनिश भी हो रहा था 36 घंटे में, बट 200 किलोमीटर पे जब टाइम हो रहा था 34 घंटे के आसपास, और मतलब फिर मतलब थोड़ा डिले हो गया था, तब मेरे दोनों पैर के अंगूठों के और चीटी उंगली के नाखून निकल गए थे। तो तब मैं थोड़ा निराश हो गया था कि मैं इस रन को कैसे फिनिश करूंगा। तो उस समय मैंने क्या करा, मेरा एक फ्रेंड है सेबेस्टियन जो कि वहाँ पे फिजियो भी था, ऐसा फिजियो वर्क कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तो मैंने इसे डेटॉल से धो लेते, नाखून निकाल लिया था मैंने उस समय, डेटॉल से धोया और अपने डॉक्टर टेप आता उसको बिल्कुल टाइट बांध लिया था जिससे मेरे को उसका दर्द का पता नहीं चल रहा था। अब मेरे पास 8 घंटे बचे थे एज माय टाइम जो मैंने सोचा था, तो फिर अब 41 से 42 घंटे में बदल गया था कि अब वो 41 से 42 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं होगा। तो जब मेरा रेस फिनिश हुआ तब रात के 1 बज रहे थे और तब 41 घंटे पूरे हो चुके थे, और 41 घंटे और 1-2 मिनट में मैंने पूरी रेस फिनिश कर ली थी। सबको लग रहा था ये रेस सुबह ही फिनिश होगी। ये जैसे आपके साथ नाखून निकलने का ट्रेनिंग प्लानिंग नहीं होने से की वजह से इस तरह की दिक्कत? नहीं सर, जब गर्मी होती है ना तो पैर का नाखून खुद से निकलने लगता है, क्योंकि जूते में बार बार आगे लगता है। शूज की क्वालिटी वाइज सर, शूज कोई सी भी शूज की क्वालिटी हो उसमें छाले और नाखून निकलने का आम बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना जब अपन भागते हैं तो कभी ऊपर भी हो जाते हैं कभी नीचे भी हो जाते हैं, या पत्थर पे लगना या मट्टी में लगना, तो उससे नाखून पे लगता है, तो बार बार लगने से नाखून निकलने लगता है जी, हाँ। और जब गर्मी होती है तो खुद ब खुद ही नाखून बाहर आ जाता है। और छाले तो होना नॉर्मल बात थी, जब मेरे को खून के छाले हो गए थे उंगलियों के ऊपर, उंगलियों के नीचे हर कोई सहन कर सकता था पर उंगलियों के ऊपर हर कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भागने की आदत होना चाहिए जो कि मैं पहले कर चुका था, तो मुझे कोई इतनी तकलीफ नहीं थी, मैंने सब सहन कर लिया था। मैंने सोचा था कि क्या करना है, सिर्फ 6 घंटे और तो बचे हैं बस, बाकी अपन इतने पिछले 36 घंटे से कर रहे थे, 6 घंटे और चल सकता है। सही, ये अल्ट्रा मैराथन के बारे में कहा जाता है कि इसकी कोई आयु सीमा नहीं होती, कोई वजन नहीं होता, कोई वर्ग ना होता है, ऐसी स्थिति में आपका क्या गोल है आने वाले समय में? आप जिस तरह से अभी विश्व चैंपियनशिप चल रही है,
देश की टीम भी हिस्सा ले रही है, देश के जो मेरे एथलीट्स हैं वो जा रहे हैं, अल्ट्रा मैराथन उसमें है, आप कब तक वहाँ हमें देखने को मिलेंगे विश्व पटल पर? सर अभी तो इंडिया, अपनी इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई है जी। जिसमें वो मतलब अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगी, और मेरी मतलब उनकी प्रार्थना भी उनके साथ ही है कि वो अच्छे से अच्छा करें, मैं उनके लिए विश भी करता हूँ। और सभी मेरी टीम के मेंबर्स और सभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी है, जैसे बिनेश शाह, उल्लास नारायण सर, हेमंत बेनीवाल, सूरज छाड़ा, मैं इन सबके साथ ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ और सब अच्छे से अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं जी। और इन्हें सबको 100 किलोमीटर भागना है, और ये सब भी इंडिया में 9 घंटे के पहले 100 किलोमीटर भागते हैं। अच्छा। मैं भी 9 घंटे के पहले 100 किलोमीटर प्रैक्टिस में भाग चुका हूँ। ऑफिशियली अभी तक इसलिए नहीं भाग पाया था क्योंकि मैं 18 साल का नहीं था, वो मेरी एज की एज क्राइटेरिया के मैं आउट था जी। अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं ट्राई करूंगा कि 2020 या 21 में मध्य प्रदेश से अल्ट्रा मैराथन रनर के रूप में कोई गया है विश्व चैंपियनशिप में? नहीं सर, अभी तक मध्य प्रदेश से कोई नहीं गया है और इंदौर से भी कोई भी नहीं जा पाया है। क्या हम तो मैं ट्राई करूंगा, जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो कार्तिक जोशी देश का प्रतिनिधित्व करते इसी टीम के साथ दिखाई देंगे? सर मैं अपना पर्सनल बेस्ट दूंगा और अपनी कोशिश करूंगा कि हाँ, कि मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। बहुतों की उम्मीद मेरे साथ है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूंगा। मैं कोई भी सिटी में जाता हूँ, वहां में मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बुलाते हैं कि हाँ तुम हमारे घर ही रुकना, क्योंकि उन्हें मुझसे उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, कि वो मुझसे जानेंगे या मैं उन्हें जानूंगा। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने 3 साल के भीतर ही वो मुकाम हासिल कर दिया है जो बरसों बरस तक लोग खुद से सीखकर, मतलब खुद से सीखकर जो आपने किया है वो दूसरों से ऐसे ट्रेनर ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी नहीं कर पाते। और आपको इन दिनों में खास तौर से सबसे ज्यादा सहयोग किस की तरफ से मिला है? शुरुआती दौर में जिस तरह से आप कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए खर्च को मांगने एक घर से दूसरे घर जाया करते थे, अब इन दिनों आपको कोई एक ऐसा घर मिल गया है स्पॉन्सर के रूप में जो चाहता है कि आप आगे बढ़े, आपको अच्छे से अच्छा ट्रेनर मिले, वो कौन लोग हैं, वो किस तरह की आपकी सपोर्ट करते हैं? सर अभी मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर और सबसे बड़ा स्पॉन्सर पाथ इंडिया लिमिटेड है, जो कि जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था जनवरी में, 10th January को, तो मैंने उन्हें कहा था कि सर मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन है, हम एक ही दुकान चलाते हैं और इसी में रहते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो बोले आपके बारे में क्या है? तो मैंने बताया कि सर मैं एक रनर हूँ और मैं भागता हूँ। तो बोले क्या भागते हो? तो मैंने बताया कि मेरा मैंने अभी तक इसके पहले 220 किलोमीटर भाग रखा है। तो उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि 220 किलोमीटर कौन भाग सकता है। तो फिर मैंने अपना सर्टिफिकेट शो करा और मैराथन के बारे में बताया, तो उन्होंने ऑनलाइन डिटेल सारी चेक की। फिर मैंने बोला सर मुझे, मैं स्पॉन्सरशिप के लिए आपके पास आया हूँ कि आप मुझे स्पॉन्सर करें और मैं आपकी कंपनी को, मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रमोट कर सकूं, मैं अच्छे से अच्छा कुछ कर सकूं, और मुझे 250 किलोमीटर के लिए आप स्पॉन्सर कर दीजिए, जिसका एक्सपेंस 10,000 रुपये के आसपास रजिस्ट्रेशन था, फिर आना जाना खाना पीना रहना 5-7 दिन का। तो उन्होंने बोला कि 250 किलोमीटर कोई भाग सकता है? तो मैंने बोला सर क्यों नहीं भाग सकता, जब मैं 200 किलोमीटर भाग चुका हूँ। तो बोलते मुझे लग नहीं रहा कि कोई 200 भाग सकता है। तो मैंने बोला सर मैंने अभी तक इसके पहले 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेसेस भागी है। फिर मैंने अपना पूरा रिज्यूम उन्हें शो किया जी। और मैं, उन्होंने गूगल पे भी मेरे बारे में सर्च किया, तो कहीं कहीं मेरे बारे में उन्हें डिटेल मिली जी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर उन्होंने और सर से मुझे मिलाया कि ऐसा ऐसा है। फिर वाकई मैं बड़े सर से मिला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी कौन है आपके ट्रेनर, देखा जाए तो आप अधिकृत रूप से क्या वाकई ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे? अभी तक तो पापा से ट्रेनिंग लेता था और मैं खुद का ही प्लान करता था। अभी संदीप कुमार सर से ट्रेनिंग ले रहा था कुछ समय तक, अभी वापस मैं खुद से ट्रेन कर रहा हूँ। और मुझे सबसे बड़ा स्पॉन्सर पाथ इंडिया लिमिटेड कर रही है। मेरा कहीं पे जाना है, खाना है, मतलब आना जाना खाना पीना रहना, और फिर सबसे पहले मैराथन का रजिस्ट्रेशन। इतनी बड़ी रेसेस भागने के लिए स्पेशल शूज, स्पेशल किट और स्पेशल थिंग्स की जरूरत होती है, कि वहाँ पे भागना है तो किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और शूज़ भी मतलब कैसे भी शूज़ ले जाएंगे तो 10,000 से कम का बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो शूज़ लेने के लिए मुझे महंगे से महंगे, मतलब मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो सर ने मेरे लिए यूएस से शूज़ बुलाए सोलांग अल्ट्रा के लिए। टोटल जो किट होता है आपका एथलीट रनर का, वो आपके पास है अभी? जी सर, अभी वो मेरे पास है, क्योंकि पाथ इंडिया लिमिटेड मेरे साथ है, वो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। सर ने तो बोला भी था कि हम तुम्हें एक फॉरेनर कोच भी प्रोवाइड करेंगे, तुम देखो कि तुम्हें कौन अच्छा ट्रेन कर सकता है। क्या सोचा उस बारे में आपने? सर उस बारे में मैंने अभी सोचा कि पहले तो मैं अभी एक स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच जाऊं कि जहाँ पे हाँ कि मैं अब कर सकता हूँ। अगला गोल कार्तिक का क्या है? सर अभी मेरा अगला गोल है मलनाड अल्ट्रा, जो 2 नवंबर को होने वाली है, और दिवाली के दिन रात को ही मुझे निकलना है वापस। ओके, तो यह है कार्तिक जोशी, जो इंदौर की शान कहेंगे अल्ट्रा मैराथन रनर के रूप में 18 साल 1 माह 9 दिन के हुए हैं। खबरबान न्यूज की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं कि अगला गोल वो जल्दी पूरा करें, और फिर हम एक बार उनके वो संस्मरण सुने
जो इस मैराथन के रूप में वो रनर के रूप में वो हिस्सा लेके पुनः लौटे और हम उनसे फिर चर्चा करें। खबरदार न्यूज के कार्यक्रम विशेष में आज इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबरदार न्यूज़।